अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हम मौजूद हैं शादमान टाउन में, जहाँ पे ये महमूद भाई जो है वो जानवर ले आए। रबी अव्वल के जानवर हैं ये, कुर्बानी के जानवर नहीं है ये। रबी अव्वल में जो है 11 रबी अव्वल को जो मदीना मस्जिद के पास जो है लंगर होता है, तो माशाल्लाह से ये हर साल जो है वो 11 रबी अव्वल को जो है बिरयानी का लंगर करवाते हैं। मैं भी यहाँ आया था तो मैंने बोला इनकी वीडियो बनाते हैं। माशाल्लाह से बछड़े बड़े शानदार बछड़े लाए हैं चाचा, और ये बहुत मरखंडे हैं भाई। ये तो ये वाला बछड़ा भी जो है ना बहुत ही, अबे नहीं ये हल्का है, ये सही है, इतना मारने वारने के मूड में नहीं लग रहा है। माशाल्लाह से भाई जानवर जो है बड़े हसीन जानवर हैं दोनों, और ये दोनों ही जो है वो 11 रबी अव्वल को 11 रबी अव्वल को जो है ना ये जिबाऊंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान टाउन में, जहाँ पे ये कुर्बानी के जो है वो बकरे आ गए बिकने के लिए। ये वगैरह चेक करें भाई जान, ये कितने दांत का है? दो दांत का है। दो दांत, पूरे दो दांत है और आंडू है? आंडू है। तो ये क्या क्या होंगे दोनों के फाइनल? 1,40,000। यार 1,40,000 बहुत ज़्यादा नहीं है? फाइनल बताएं आप, जो बंदा आपके तो, पास आएगा और जो खरीदेंगे तो कर लेंगे 5-10 किलो तक। ये चेक करेंगे, देखिए ये बकरा है और ये एक बकरा है। ये हमारे सफदर भाई जो है ना वो इसकी नींद की देख इनको पाल लें। ये भी एक बकरा है पर ये कुर्बानी के लिए है ना। हाँ ये कटी है, घर के लिए है, घर के लिए। ये बकरा माशाल्लाह कट करें, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। ये बकरा घर की कुर्बानी के लिए, ये पिछले साल मैंने जो ऊँट की कुर्बानी की थी ना, किसने की थी भाईजान, बहरहाल नाम क्या नाम था मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उनका व्लॉग भी मैंने बना के डाला था। तो ये अभी इन्होंने बकरा ले लिया। ऊँट जो है ये वैसे आखिरी दिनों में लाते हैं, एक आध दिन रह जाता है तो ऊँट लेके आते हैं। माशाल्लाह से ऊँट पिछले साल वाला माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऊँट था, लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। और ये कट्टा ले के आए, ये अंकल जो है ना हमारे कट्टा पालते हैं, वो जानवर जो है लेके आते हैं, पालते हैं पूरा साल फिर कुर्बानी करते हैं। ये तो अभी खैर बच्चा है, ये कट्टा जो है माशाल्लाह कितने महीने का हो गया बंदे? ये 12 महीने का। 12 महीने का है? ये कितने का लिया था? 1,40,000। 1,40,000 का कट्टा? अबे क्या कर रहे हैं, कितने महीने हो गए इसको लिए हुए? 2 महीने। अबे कट्टा इतना महंगा तो नहीं होता यार उस्ताद? अभी बहुत महंगा है, जाओ जरा मार्केट। हैं? मार्केट जाओ, अभी बहुत महंगा है। नहीं यार इतना महंगा नहीं है यार, एक्सपोर्ट हो रहा है माल। अच्छा भैंस के कट्टे भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं? ये मुझे लग रहा है भाई कुछ कर रहा है, दुम मुम उठा रहा है ये, मुझे कर देगा कुछ। माशाल्लाह कट्टा भाई, ये
इन्होंने पिछले साल भी एक जो है ना लाल कलर का बछड़ा था इनके पास, तो हम लोग तो आते जाते देखते थे कभी कभार, वैसे कम दिखता था वो बछड़ा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ था, तो मेरे ख्याल से बकरीद में इन्होंने कुर्बानी कर दी थी ना। बेचा था या? वो न्याज पे काटते हैं 12 रबी लवल को। अच्छा, वो 12 रबी लवल को भाई हमने भी, ये भी 12 रबी लवल के लिए, वो 12 रबी लवल को बिरयानी हमने भी खाई थी, बड़ी जबरदस्त बिरयानी। ये भी उसी के तैयार हो रहा है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह यार, मुझे नहीं पता था कि वो बकरे वो 12 रबी लवल को ज़िबा हुआ था वो वाला बछड़ा। वो बछड़ा तो बड़ा शानदार था, और ये बहुत बड़ी बात है ये कि लोग जो है जानवर को पूरा साल पालते हैं और फिर वही इस तरह लोगों को ज़िबा करके खिला भी देते हैं। ये बड़ी हिम्मत का काम है, हर किसी के बस का काम भी नहीं होता। बहरहाल ये जो है हमारे अंकल जो है ना, ये माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको इसकी जगह देगा, बड़ा अच्छा काम कर रही है ये कट्टा। ये कट्टा भी क्या रबी अव्वल के लिए तैयार हो रहा है? ये अगली बकरीद के लिए, बकरीद के लिए। तो अभी ये कुछ लेके नहीं आए रबी अव्वल के लिए? अभी लाएंगे। लाएंगे? अच्छा, ये भाई साहब बता रहे हैं कि अभी जो है अगले, अभी तो रबी लवल कितना टाइम है अभी? अभी है 6-7 महीने। 6-7 महीने तो वो मतलब तैयारी लेके आएंगे, उसमें तो ज़रूरी नहीं है कि वो दो दांत होना चाहिए, कट्टू माल भी उसमें ज़बा कर सकते हैं। तो बहरहाल हमने ये वीडियो बना ली है, और बकरे जो है जिसको चाहिए हो तो वो मैसेज कर सकता है। कॉन्टेक्ट नंबर है क्या कोई? 0315। और बताएँ? 8810 जी 656। ठीक है, जिस किसी को भी ये बकरे चाहिए हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, तो ये बकरों के लिए बात कर लें। ये वीडियो मैंने बना ली है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।